अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मुबशरा इफ्तखार और आप देख रहे हैं व्लॉग विद मुबशरा। और आज की हमारी वीडियो है पार्टी वेयर ड्रेस के अबाउट, जिसमें आप बहुत से प्यारे प्यारे पार्टी वेयर ड्रेसेस देखेंगे और आपको डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे कि हम पार्टी वेयर ड्रेसेस कैसे बनवाएं। शुरू करते हैं हम अपना ड्रेस नंबर वन, ये है जी पार्टी वेयर ड्रेस, और इसको आप किसी भी फंक्शन में इजीली यूज कर सकते हैं। जो लड़कियां बहुत ज्यादा हैवी ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं करती, वो इस तरह के नॉर्मल पार्टी वेयर ड्रेसेस जो है वो इजीली वेयर कर सकती हैं। इसमें ये फ्रंट पे इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये इसमें शीशा वर्क हुआ और साथ में इसके बाजुओं पे ये डिजाइन है, ये पिंक शॉकिंग पिंक कलर की लेस लगी हुई है और इसके साथ में इसका ये ट्राउजर है। ये बहुत ही खूबसूरत इसका ट्राउजर है, ये देखिए इसमें भी नीचे ये पैचेस लगे हुए हैं, ऊपर लेस लगी है और ये समोसा कट पट्टियां बना के इसके जो है ना पैनल्स में दी गई हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ आप किसी भी किस्म का दुपट्टा जो भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप और भी दुपट्टा ले सकते हैं और साथ में शॉकिंग दुपट्टा ले सकते हैं, कोई भी इसके साथ दुपट्टा वेयर कर सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस है, ये नाइट फंक्शन के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें ये शीशे हैं और ये इसके बहुत चमक दमक इसकी नजर आती है। ये है ड्रेस नंबर टू और इसका बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक स्टाइल बना हुआ है और इसके गले पे ये टसल टाइप बटन लगे हुए हैं। इसके बाजू जो है ना बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी, उसके आगे भी ये देखिए ये मोती लगे हुए हैं, टसल लगे हुए हैं छोटे छोटे, और इसके ये नीचे दामन पे भी, और इसके ये पैनल स्टाइल फ्रॉक है और इसमें ये सीढ़ी लेस लगा के इसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसका फ्लेयर भी काफी है, ये देखिए, और इसके साथ इसका ट्राउजर देखते हैं और दुपट्टा, ये है इसका ट्राउजर। इसके ट्राउजर पे भी बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी और ये बेल स्टाइल में बना हुआ है, ये इसका ट्राउजर। और इसके साथ बिल्कुल ही सिंपल दुपट्टा था, सेम प्लेन दुपट्टा है और उसके ऊपर मैंने ये लेस लगवा लिया इसके साथ, इसके ड्रेस के साथ मैचिंग टच के लिए, क्योंकि इसके इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ था, इसके ऊपर ये लैस मैंने खुद लगवाई है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये बहुत ही नफीस इसके ऊपर काम हुआ है और ये बहुत खूबसूरत। इसकी बैक प्लेन है लेकिन इसके अंदर ये सीढ़ी लैस से इसके ये पैनल्स बनाए गए हैं। लेट्स सी द ड्रेस नंबर थ्री, ये देखिए जी ये गाउन स्टाइल ड्रेस बना हुआ है, नीचे इसका जो इनर है इनर ड्रेस है वो वाइट है और ऊपर ये गोल्डन ब्राउन शेड का बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर ब्लॉक पेंटिंग है, ब्लॉक पेंटिंग से इसके ऊपर ये डिजाइनिंग हुई हुई है और ये राउ सिलक में है। और इसका आपको दिखाती हूँ इनर ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ये इसका गाउन है, ये देखें ये इसका इनर ड्रेस है राउ सिलक में, इसमें फ्रंट पे बस इतना सा टच है, ये छोटे छोटे प्लेट्स हैं और इसके अंदर ये मोती हैं और साथ में सितारे लगा के सिर्फ फ्रंट पे थोड़ा सा पैनल दिया हुआ है इन्होंने। और इसके साथ इसका जो ट्राउजर है वो बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग एम्ब्रॉयडरी वाला है, लेट्स सी ये देखें कैप्री स्टाइल ट्राउजर है, उसके ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत और नफीस एम्ब्रॉयडरी हुई है, उसके अंदर छोटे छोटे सीक्वेंस मोती वगैरह ये लगाए हुए हैं और ये देखेंगे राउ सिल्क का बहुत वाइट इसका इनर ड्रेस है और इसके ऊपर ये गोल्डन ब्राउन शेड में गोल्डन ब्राउन शेड का इसका ये गाउन है। इसको लगा के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसके ऊपर ये गोल्डन ब्राउन शेड का, और इसके साथ उन्होंने ये दुपट्टा दिया हुआ था, ये देखिए इसके ऊपर ये सिंपल दुपट्टा, उसके ऊपर ब्लॉक पेंट की ये लाइनिंग है ये इसके साथ, लेकिन ये मुझे दुपट्टा जो है ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसके साथ लिया हुआ इसका कंट्रास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अगर ये सिंपल राउ सिल्क के ड्रेस वाइट के साथ ये दुपट्टा हो तो मैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर ये साथ में ये इसका गाउन ब्राउन शेड का है तो इसके साथ ये दुपट्टा लिया हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने इस दुपट्टे को कर दिया है साइड पे और इसके साथ ले आई हूँ ये दुपट्टा, ये क्रश दुपट्टा ब्राउन शेड इसके गाउन के साथ मैच करके। और जब मैंने ये दुपट्टा लिया था मेरी मॉम कह रही थी कि बेटा खर्चे तो खर्चा बधाई जा,
जो है साथ में वो मत लेना और न्यू न्यू लेना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और इसके साथ मैंने ये क्रश दुपट्टा ले लिया जो इजी वेयर, क्योंकि वो दुपट्टे के ऊपर ब्लॉक पैंट है और वो बहुत ज्यादा अकड़ा हुआ दुपट्टा और लिया हुआ अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने उस दुपट्टे को छोड़ के ये वाला सॉफ्ट वाला दुपट्टा ले लिया। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके साथ और ये बहुत ही नफीस सूट है, ये आप किसी भी पार्टी वेयर में इजीली पहन सकते हैं। लेट्स सी द ड्रेस नंबर 4। ये है मेहरून शेड में टेल स्टाइल ड्रेस बना हुआ है, इसकी टेल है बहुत ही खूबसूरत, ये नेट पे है और ये देखिए इसके साथ इन्होंने इसके गले पे ये फ्रिल की लेस बना के लगाई हुई है और साथ में ये मोतियों का काम हुआ है बहुत ही। साइड इसकी ये देखिए सिंपल है और जस्ट सेंटर में इसकी डिजाइनिंग है और इसकी बैक साइड ये बहुत ही खूबसूरत, इसकी बैक साइड है एम्ब्रॉयडर्ड है सारी, नीचे इसके लिए देखिए ये पैच है ये लगा हुआ है, ये इसकी बैक साइड बहुत खूबसूरत है, उसके बाजू भी बहुत खूबसूरत बेल्ट स्टाइल में खुले बाजू बने हुए हैं और बहुत ही पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है ये, बहुत ही यूनिक। ये कलर मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया और मुझे बहुत ही अच्छा ये कलर लगा है। और इसके साथ सिंपल इसका ट्राउजर सेम इसका ट्राउजर है और सेम के साथ इसके दुपट्टा है, कोई इसके साथ कंट्रास्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है और ये बहुत ही यूनिक सेम ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा। हूँ कि आपको मेरी ये ड्रेस कलेक्शन बहुत ही अच्छी लगी होगी, नेक्स्ट भी मैं नई से नई वीडियोस लेके आती रहूँगी अच्छे अच्छे खूबसूरत ड्रेसेस की, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से अच्छे आइडियाज़ मिल सकें और आप अपने अच्छे से अच्छे ड्रेसेस बना सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, ड्रेसेस कैसे लगे और आपको इनसे मज़ीद कितने आइडियाज़ मिले हैं। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।